लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। इटावा में आज जीआरपी पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान, जिसमें स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों के बैग चेक किए गए और चेकिंग के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी गलत गतिविधि नहीं पाई गई। और थाना अध्यक्ष ने बताया कि लगातार चेकिंग अभियान चलता रहेगा। स्टेशन पर जीआरपी थानाध्यक्ष से जब बात की तो उन्होंने बताया कि यह अभियान इटावा एसएसपी और आगरा जीआरपी एसएसपी के आदेश पर इंटेलिजेंस की सूचना पर स्टेशन के आसपास मुख्य प्रतिष्ठानों व महत्वपूर्ण ट्रेनों का निरीक्षण किया गया और चेकिंग के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी गलत गतिविधि नहीं प्राप्त हुई। थानाध्यक्ष ने बताया कि लगातार चेकिंग अभियान चलता रहेगा। हम रोजाना स्टेशन की बारीकी से चेकिंग करेंगे। इंटेलिजेंस एयरपोर्ट पर एसपी जीआरपी विभाग आगरा और एसएसपी इटावा के निर्देशन में जीआरपी आरपीएफ इंटेलिजेंस इटावा एंटी सेबोटाज टीम इटावा द्वारा रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण गाड़ियों को और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की आसपास के क्षेत्रों की चेकिंग की गई है। सुबह भी हमने श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में सुबह भी प्लेटफार्म और पार्सल गृह और आसपास के क्षेत्र की चेकिंग की थी और इस समय भी हमने कुछ गाड़ियों की चेकिंग की है। उसमें कालका में गोरखपुर ओखा और नॉर्थ ईस्ट की चेकिंग की गई है। हाई अलर्ट की स्थिति है और यह लगातार चेकिंग चलती रहेगी। रेलवे स्टेशन पर हम लोग लगातार दिन में और रात में चेकिंग करते रहेंगे और अपने जो भी क्षेत्रों में भी हमने सबको अलर्ट किया हुआ है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के या किसी भी संदिग्ध सामान के मिलने पर तत्काल सूचना देंगे, उस पर आवश्यक कार्रवाई की। कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा देखा गया है कि? अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है और ये अलर्टनेस की स्थिति लगातार जारी रहेगी, ऐसे हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश है और हम लोग सतर्क हैं।